हम इस समय खड़े हैं महासमुंद कलेक्ट्रेट के बाहर। 28 मार्च से यहाँ लोकसभा के नामांकन की प्रक्रिया चालू हो गई है। आइए हम अंदर चलेंगे और आपको बताएंगे कि आज जो प्रत्याशी आएंगे, जो भी दल है और जितने भी लोग लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं, उनकी प्रक्रिया कहाँ से फार्म लेंगे, कहाँ से क्या व्यवस्था की गई है, ये सब हम आपको आज बताते हैं। अब चलते हैं कलेक्ट्रेट के अंदर। यह जो बैरिकेड्स आप देख रहे हैं, हम कलेक्ट्रेट के अंदर पहले बैरिकेड्स के पास आए हैं। नामांकन के समय जो भी प्रत्याशी, जो भी दल कोई भी फार्म खरीद रहे हैं, जमा कर रहा है, उनकी 3 गाड़ियां इस बैरिकेड्स तक आएंगी और यहां से 5 आदमी प्रत्याशी सहित 5 आदमी टोटल अंदर जाएगा कलेक्ट्रेट, नामांकन खरीदेगा और वही नामांकन जमा कर सकता है। अब अंदर की प्रक्रिया देखते हैं, हम अंदर कैसे फार्म लेते हैं और कैसे जमा करेंगे लोग। बैरिकेड्स के बाद अब हम आ गए हैं कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर। यहाँ से जो व्यक्ति फार्म करना चाहते हैं उनके समर्थक के साथ वह अंदर आएंगे और अंदर आने के बाद मेरे दाईं ओर है जहाँ नाम निर्देशन लिखा हुआ है, प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद जमानत राशि जमा कर सकते हैं। उसके बाद बाईं तरफ है अभ्यर्थियों हेतु सुविधा सेवा केंद्र, मतदाता सूची का अवलोकन करवाएंगे, अंगूठे का निशान भी सत्यापन करा सकते हैं, नामांकन फार्म भरने की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई गई है। यह सब चीज़ करने के बाद प्रत्याशी अपने 4 समर्थकों के साथ जो महासमुंद लोकसभा 9 कक्ष क्रमांक है, जहां पर रिटर्निंग ऑफिसर बैठे रहते हैं, उस कक्ष में वह जाएगा और इस कार्यालय में आकर वह लोकसभा क्षेत्र क्रमांक 9 में अपना फॉर्म को जमा कर सकता है और वो भी 4 समर्थकों के साथ। आज नामांकन 28 मार्च से प्रारंभ हुआ है, आज 7 फार्म लिए गए हैं, यहाँ से जमा नहीं हुआ है। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद।